प्रोटिस्टा को हम पढ़े थे, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एलजी को हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, एलजी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंट्रोडक्शन को हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम एलजी की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी बात की थी, और हमने एलजी के आपको 6 फाइलम के नाम बताए थे, एलजी के अंदर जो 6 फाइलाज आ जाते हैं। आज हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे और वन बाय वन देखते जाएंगे एलजी के कौन कौन से फाइलम हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास था यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जिसको हम कहते हैं यूग्लिनोफाइटा। अच्छा, यूग्लिनोफाइटा जो है ये एक यूनिक ग्रुप है एलजी के अंदर। यूनिक इस तरह से है कि इसको प्लांट्स के अंदर भी क्लासिफाई किया जा सकता है और एनिमल्स के अंदर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। प्लांट्स के अंदर इस तरह से कि हम इसको एलजी के अंदर क्लासिफाई करते हैं, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल प्लांट्स जैसी हैं, जैसे कि हम कहते हैं ये फोटोसिंथेटिक है, और इसके अलावा फूड खुद प्रिपेयर करती है, ऑटोट्रॉफ्स है। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं वही यूग्लिनॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से ये प्लांट्स की तरह है, लेकिन इसको साथ ही साथ हम एनिमल्स के अंदर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोटोजोन्स के अंदर भी, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू जूफ्लैजिलेट्स। जूफ्लैजिलेट्स के जो का जो ग्रुप है, ये मैंने आपको प्रोटोजोआ का टॉपिक जो हमने पीछे पढ़ा था तो उसके अंदर बताया था, डिटेल में हमने इसको देखा था। तो इसकी जो रिलेटिवनेस है वो जूफ्लैजिलेट्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये एक यूनिक ग्रुप बन जाता है एलजी के अंदर। जहाँ हम पिगमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम इसके पिगमेंट्स की बात करें यूग्लिनॉइड्स की पिगमेंट्स की, तो हमारे पास पिगमेंट्स इसके अंदर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, CHLA, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। और हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की कि यूग्लिनॉइड जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी यूग्लिनॉइड्स होते हैं जो कि डार्क एरियाज़ में होते हैं, डार्क एरियाज़ में पाए जाते हैं, और वो अपने क्लोरोफिल पिगमेंट को लूज़ कर देते हैं। क्लोरोफिल, यहाँ जो हमने बात की ना क्लोरोफिल ए और बी, तो क्लोरोफिल पिगमेंट को जब ये लूज़ कर देंगे, इट मींस के उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ये करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो भी उनको अवेलेबल होता है वो उसको इंजेस्ट करते हैं, और इस तरह से फिर वो हेटरोट्रॉफ्स बन जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये एक कुछ ख़ास किस्म का ग्रुप है यूग्लिनॉइड्स के अंदर, जो कि पहले दिन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और बाद में क्लोरोफिल जब वो लूज़ कर देते हैं उसके बाद इस तरह से होते हैं। इसके अलावा एक ऐसा ग्रुप भी है यूग्लिनॉइड्स के अंदर, या कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं यूग्लिनॉइड्स के अंदर जो कि होती ही हेटरोट्रॉफ्स हैं, मीन्स के वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती। वो पूरे अपनी ज़िंदगी में, पूरे लाइफ साइकिल में अपनी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करती हैं। और ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं कि ये हेटरोट्रॉफ्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स होने की वजह क्या है? हेटरोट्रॉफ्स होने की वजह यह है कि जिस पर्टिकुलर ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट नहीं है इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो फिर हेटरोट्रॉफ्स होंगे। यूग्लिनॉइड्स की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एग्जाम्पल में यूग्लिना आ जाता है। एग्जाम्पल यूग्लिना एक एग्जाम्पल है इसकी, इसको आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे। जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं अक्सर, मोस्टली, या फिर प्रोटिस्ट की बात करते हैं, तो हम यूग्लिना की एग्जाम्पल को देखते हैं। मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ यूग्लिना के बारे में। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूग्लिना को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह से हमें नज़र आता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी शेप कुछ इस किस्म की होती है, जैसे आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, अच्छा ये यूग्लिना की डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, ये जो ब्लैक एक लंबे सा आपको नज़र आ रहा है, ये इसका फ्लैजलम है। फ्लैजलम मींस कि जिसके थ्रू ये मूव करता है। इसके अलावा आप इसकी पूरी बॉडी देख सकते हैं, इस तरह से इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यूग्लिना का एक स्ट्रक्चर है जो कि यूग्लिनॉइड्स के अंदर आता है, और इसके स्ट्रक्चर से आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये जूफ्लैजिलेट्स ऐसा एक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर भी हमने फ्लैजला की बात की थी, और उसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलीज की हमने ऐसी ही बात की थी। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जूफ्लैजिलेट्स या एनिमल्स जैसे भी हैं।
अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप या नेक्स्ट फाइलम के ऊपर, जो कि है डाइनोफ्लैजेलेट्स। सेकेंड हमारे पास ये ग्रुप है डाइनो फ्लैजेलेट्स, जिसको हम पायरोफाइटा भी कहते हैं। अच्छा, डायनोफ्लैजेलेट्स का जो ग्रुप है ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। अनयूजुअल क्यों है? अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि इनका जो सेल होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है सेल्यूलोस की, जिसके अंदर सिलिका का या सिलिकेट्स की एक आउटर वॉल बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर इसका आप कह सकते हैं कि एक आपको क्रिस्टलाइन सा या एक रॉकी सा स्ट्रक्चर आप इसका देख सकते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स की जो खसूसियात हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम देखें, तो एक तो ये है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इसके जो सेल्स हैं ये कवर्ड होते हैं विद सिलिकेट्स। बेसिकली वो एक सेल्यूलोस की कवरिंग होती है जिसके अंदर सिलिकेट्स जो हैं वो आप कह लें कि इम्पैग्नेट होते हैं या इम्बेड हुए हुए होते हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ी खसूसियत जो डायनोफ्लैजेलेट्स की है वो ये है कि दे आर द सेकेंड प्रोड्यूसर्स। पूरे जितने भी पानी है हमारे पास, ओशंस की जब हम बात करें या एक्वेटिक लाइफ की बात करें, तो एक पूरे एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डायनोफ्लैजेलेट्स जो है वो सेकेंड नंबर पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आते हैं डायटम्स। डायटम्स की बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट नंबर पे डायटम्स और सेकंड पे फिर डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं या पूरे हम फूड चेन की जब हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स जैसे हम कहते हैं, तो वो प्रोड्यूसर जो हैं वो सेकेंड नंबर पर डायनोफ्लैजेलेट्स आते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें इकोलॉजिकली, तो उस तरह से भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी और है, जो कि जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या चीज़ है? इसको हम ब्लूम्स भी कहते हैं। ये होता ये है कि ये जो है डायनोफ्लैजेलेट्स, ये बहुत जल्दी या बहुत फ्रीक्वेंटली अक्सर जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड करने शुरू हो जाते हैं। और उससे होता क्या है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, अक्सर पानी के अंदर, मोस्टली ये समंदर में पाए जाते हैं। तो होता ये है कि एकदम से जो है वो पूरा का पूरा समंदर का जो कलर है वो डिफरेंट हो जाता है, रेड कलर हो जाएगा, ऑरेंज और येलोइश सा कलर हो जाएगा। तो इस तरह से इस चीज़ को हम रेड टाइड्स भी कहते हैं। जो ये एक पिक्चर है मेरे पास, यहाँ पे आप इस ब्लूम जो है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारा पानी और उसके ऊपर ये रेड रेड और ऑरेंज ऑरेंज सा, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब डायनोफ्लैजेलेट्स हैं जो कि बहुत जल्दी और बहुत फ्रीक्वेंटली डिवाइड हुए हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि पानी का ही कलर चेंज हो गया है। जबकि असल में क्या हुआ है कि इसकी तादाद जो है डायनोफ्लैजेलेट्स की वो बहुत जल्दी से इंक्रीज हो गई है। अच्छा, स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो ये मैंने आपसे कहा था कि इसका एक क्रिस्टलाइन और रॉकी सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये एक इमेज मुझे इंटरनेट से मिला है और इसके अंदर आप देखेंगे, मैंने आपको कहा कि शेल इसके ऊपर जो है वो सिलिकेट्स का शेल सा बन जाता है, जो कि बेसिकली सेलुलोज, और उसके अंदर जो है वो सिलिकेट्स एम्बेड हुए हुए होते हैं। तो ये आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, ये सब के सब जो है वो जोफ्लैजेलेट्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं, सॉरी जोन डायनोफ्लैजेलेट्स के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा ग्रुप हो गया डायनोफ्लैजेलेट्स का। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है डायटम्स। डायटम्स की जो हमने बात की अभी पिछले वाले फाइलम के अंदर भी हमने डायटम्स का जिक्र किया, वो ये क्या वो था क्या वो था ये कि डायटम्स जो हैं वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं इन द मेजर प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक लाइफ, यानी कि एक्वेटिक या मेरीन, एक्वेटिक के अंदर दोनों आ जाते हैं, मेरीन भी आ जाते हैं और फ्रेश वाटर भी आ जाते हैं। तो जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो डायनोफ्लैजेलेट्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो सबसे ज़्यादा फूड प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक लाइफ को। फूड क्या है? फूड बेसिकली ऑक्सीजन होती है जो ये प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद। डायटम्स को हम
क्राइसोफाइटा भी कहते हैं। अच्छा, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास दो तरह दो दो शेल होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं या एम्बेड हुए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये एक शेल और इसके साथ दूसरा शेल आप जोड़ लें, तो इस तरह से कुछ कुछ इस किस्म की इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें, इसके अंदर पहली तो बात यह कि जैसे मैंने आपको कहा, इसके अंदर दो शेल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू शेल्स। अच्छा, और ये जो टू शेल्स जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो इसकी जो शेप है वो एक पेट्री डिश की तरह हो जाती है। जैसे कि आप लैब्स के अंदर अक्सर पेट्री डिश को यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पेट्री डिश की तरह ये किस तरह से होता है। इसका जो ये जो शेल है, इसके अंदर सिलिका डिपॉजिट हुआ हुआ होता है और सिलिका के ऊपर एक ग्लास लाइक मटेरियल है वो इस तरह से इसके ऊपर एक बहुत ही इंट्रिकेटेड, बहुत ही कम्प्लेक्स साइज के ऊपर जो है वो पैटर्न बना होता है। अभी मैं आपको ऐसे कैसे बना के बताऊँ, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही कम्प्लेक्स साइज के ऊपर एक इंट्रिकेट सा पैटर्न बना हुआ होता है, इस तरह की इसकी एक शेप होती है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बात की, एक तो ये कि बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, इसको लिख भी देते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं डायटम्स। इसके अलावा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है एक्वेटिक फूड चेन के अंदर भी। फूड चेन के अंदर एक्वेटिक इंपॉर्टेंस वही बात आ जाती है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स वाली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिपेंड करी होती है डायटम्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने वही वही फूड जो है वो यूटिलाइज करनी होती है, उसी फूड को यूज़ करना होता है। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर आप डायटम्स की शेप देखें इस पिक्चर के अंदर, आपको डिफरेंट डायटम्स जो हैं वो नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने बात की कि इनके ऊपर एक बहुत ही कम्प्लेक्स पैटर्न बना हुआ होता है उनकी शेल के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिस तरह से ये शेल है या ये डिफरेंट ये जो शेल है इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा और उसके ऊपर ये छोटे छोटे, यहाँ पर पिक्चर में आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा बट इसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम्प्लेक्स से पैटर्न बने हुए होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि वो सिलिका या ग्लास लाइक मटेरियल है जिसके ऊपर वो पैटर्न बना हुआ है। तो ये तो हमारे पास आ गया डायटम या क्राइसोफाइटा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर जो के था ब्राउन एलजी या जिसे हम कहते हैं फेओफाइटा। ब्राउन एलजी, ब्राउन एलजी या फिर हम इसको फेओफाइटा कहते हैं। अच्छा, ब्राउन एल्जी जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये कलर में जो है वो ब्राउन कलर की होगी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि ये मल्टी सेलुलर होती है। इससे पहले जो हमने तीन टाइप्स पढ़ी हैं वो सब के सब वो तीनों जो हैं वो यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर। अच्छा, इसके बाद इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको कहते हैं जाइंट्स ऑफ प्रोटिस्ट, जाइंट्स ऑफ प्रोटिस्ट, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो जाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज़म्स हैं, ब्राउन एल्जी उन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर आती है। और बड़े क्यों हैं इनका, जो अगर हम साइज़ की बात करें इनकी, तो इनका जो साइज़ है वो कुछ सेंटीमीटर से लेके फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू मीटर्स के अंदर भी, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 75 मीटर्स तक इनका जो है वो साइज़ चला जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं 75 मीटर, इट्स क्वाइट अ लेंथ, बहुत ज़्यादा इनका साइज़ है। जबकि हम एल्जी की बात करें, ये प्लांट्स नहीं है। जो सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े हमारे पास डायटम्स आ जाते हैं, सॉरी डायटम्स नहीं, ब्राउन एल्जी, जो सबसे बड़े बड़े ब्राउन एल्जी है उनको हम कहते हैं, जो लार्जेस्ट वन है, लार्जेस्ट उसको हम कहते हैं केल्प्स। ये एक टाइप है ब्राउन एल्जी की और इसकी जो शेप है या इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ही टफ और लेदरी होता है, लेदरी। और ये जो केल्प्स है ये अक्सर एडिबल भी होते हैं। एडिबल का क्या मतलब है, हम इसको खा भी सकते हैं। अगर इसके बॉडी या शेप की बात की जाए तो प्लांट से मिलती जुलती इसकी शेप होती है, यानी कि जो लीफ की तरह के इसके ब्लेड्स होते हैं, दे हैव लीफ लाइक ब्लेड्स। इसी तरह स्टेम की तरह के, दे हैव स्टेम लाइक स्ट्राइप्स, इसको स्ट्राइप्स हम बोलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्राइप्स। और इसके अलावा इनके अंदर रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट, हम से कहते हैं रूट
लाइक एंकरिंग. एंकरिंग का मतलब है कि वो उसको एंकर करने में या किसी चीज़ के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं. होल्ड फास्ट इनके अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं. हैबिटेट की जब हम बात करते हैं, हैबिटेट जो है वो ब्राउन एल्जी का, मोस्टली ये कूलर मरीन वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है, थोड़ा सा रॉकी एरिया या कोस्ट लाइन के साथ अगर आपके पास रॉक्स आ जाती हैं तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं. और जहाँ पर हमने लार्ज एल्जी की बात की या कैल्प्स की बात की, तो कैल्प्स को दे कैन, इट कैन बी यूज एज फूड, कैन बी यूज एज फूड. जब हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे तब फिर दोबारा हम इसी एडिबल वाली चीज़ को ले आएंगे. तो ये हमारे पास था ब्राउन एल्जी, जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर में. अच्छा, ये एक साहब हैं जिन्होंने ब्राउन एल्जी को हाथ में पकड़ा हुआ है और ये जहाँ खड़े हैं कोस्ट लाइन के साथ, वहाँ पे भी आपको ढेर सारे ब्राउन एल्जी नज़र आ रही है. और ये जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लांट्स की तरह का इनका एक स्ट्रक्चर है. मतलब अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि ये एल्जी है तो शायद वो ये समझे कि ये कोई किसी किस्म का पौधा ही है. तो इस तरह से ब्राउन एल्जी के कुछ इस तरह की शेप होती है और कलर में ये बिल्कुल ब्राउन होती है. अच्छा, तो ये हमने देख लिया ब्राउन एल्जी को. अपने आज के लेक्चर को अभी हम यहीं पे एंड करते हैं और यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे बाकी टाइप्स एल्जी की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.